जीवन किस तरह से जीना है वो प्रैक्टिकल गाइड आपको ये पुस्तक सिखा देगी. इतनी ताकत है. यू विल बी एबल टू बेसिकली बैलेंस योर लाइफ, बैलेंस योर थॉट प्रोसेसेस एंड दस बैलेंस योर प्रैक्टिकल्स इन डे टू डे लाइफ. देखो, हम लोग सब सक्सेस को चाहते हैं. सक्सेस जीवन में हर प्रकार की सिद्धि हो, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, सेवा जीवन में, अध्यात्म जीवन में, सब तरह से हमको जीवन में सिद्धि चाहिए. हाँ या ना? अगर आप ना बोलेंगे तो यू सीज टू बी अ ह्यूमन बीइंग. इट शुड बी अ ह्यूमन एंडेवर फॉर सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. हमारी गिनती सही नहीं है, रास्ता सही नहीं है. चाहिए तो है, वी वॉन्ट, बट वी डोंट हैव द राइट स्ट्रेटजी, वी डोंट हैव द राइट वेज टू रीच देयर. एटीट्यूड इज वन ऑफ द प्रिंसिपल वेज टू रीच देयर. अभिगम. इस पुस्तक में तीन विभाग हैं. जेफ केलर बताते हैं कि सक्सेस फर्स्ट बिगिंस इन द हेड, इट बिगिंस विद अ थॉट प्रोसेस. सो थिंक राइट एंड थिंक रैशनली. इसमें भी हम यही गलती करते, वी ऑलवेज थिंक रैशनली, दैट इज ऑलवेज वी ट्राई टू पुट लॉजिक बिहाइंड आवर थॉट्स. देयर कैन बी लव एंड ट्रस्ट बिहाइंड योर थॉट्स एज वेल. सो थिंक राइट, थिंक रैशनली. ये दोनों करना चाहिए. विचार के पीछे तर्क भी होना चाहिए, समझ भी होनी चाहिए, और विचार के पीछे राइटियसनेस भी होना चाहिए, मतलब लव और ट्रस्ट भी होना चाहिए. हर विचार को लॉजिक के बैलेंस से तो नहीं मापदंड निकल सकते हम. यू नीड टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस. सेकेंड थिंग ही सेज that your words build up your personality. How you speak, what you speak, the kind of the words that you use makes up your personality and frame in the mind of the listener. So speak thoughtfully. Second part of success. And the third part he describes in this book is you act purposefully, because your actions sometimes they speak louder than your words and your thinking. तो ये पुस्तक में ये तीन बातें हैं, head thinking, mouth speaking and hands action. ये तीनों का सही combination चाहिए, ये तीनों में सही attitudes चाहिए, then you are successful. So think rationally and rightly, speak thoughtfully and act purposefully. That is called a complete formula for intelligence quotient, जिसको हम IQ बोलते हैं. ये बात मैंने इसलिए की कि सक्सेस के लिए, पूर्ण सक्सेस के लिए तीन बातें चाहिए. ये तीनों बातें में आपका सही प्रकार का एटीट्यूड चाहिए. ये जेफ केलर इस पुस्तक में बताते हैं. 350 पेज का यह पुस्तक है. मैंने आपको जिस्ट उसका 3 मिनट में दे दिया. इसका मतलब यह नहीं है कि आप यह पुस्तक न पढ़ें. इससे आपको एटमॉस्फियर एक मन में बिल्ड होगा. यू विल बी एबल टू क्रिएट दैट इन योर माइंड व्हाट एक्चुअली द ऑथर वांट्स टू टेल यू. एंड दैट क्रिएशन ऑफ इंप्रेशन, दैट क्रिएशन ऑफ एन एटमॉस्फियर इन योर माइंड विल एक्चुअली हेल्प यू in, again I repeat, thinking right and rationally, speaking thoughtfully and acting purposefully.